वाह जी वाह, सुबह सुबह का टाइम, चाय और कबूतरों का नज़ारा, माशाल्लाह। चेक करें जी, माशाल्लाह मैंने पिजन्स फिर रहे हैं और इस वक्त डेरे पे चाय एंजॉय की जा रही है। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जनाब अपने ब्लॉग का आगाज करते हैं बिना किसी टाइम जाया किए हुए। कल शाम हम आए काफी लेट और कल हम गए हुए थे डूंगा। डूंगा से आगे है खराजपुरा, वहां पे एक बर्तनों का स्टोर है, मट्टी के बर्तन वगैरह मिलते हैं, गमले वगैरह मिलते हैं, वो लेके आए हम लोग और बहुत ही कम कीमत में मिले हमें, अपने डेरे के लिए लेके आए जनाब। वो भी ब्लॉग हमने अपलोड किया हुआ, उसमें आप देख सकते हैं। बाकी जनाब थोड़ा टाइम ज़्यादा किए हुए, अपने ब्लॉग की जानब चलते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन पर क्लिक करना ना भूलिएगा, और आने वाली नई वीडियो को जरूर लाइक कर दें। तो आइए चलते हैं जनाब जी। तो दोस्तों गाड़ी का सामान वगैरह निकाल लिया हम लोगों ने और ये देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे ये बंदा सारी दुकान ही उठा लाया है और ये समझे कि हम सारी दुकान उठा लाए हैं। कितने में हमें ये सारा सामान मिला है ना, मतलब कि मेरी सोच से भी बढ़कर हमें ये सस्ता मिला है। और आपको एड्रेस भी दूंगा और नंबर भी दूंगा, इंशाल्लाह आप रब्ता करके आप खुद भी सामान मंगवा सकते हैं और बहुत ही मुनासिब और सस्ता सामान मिलता है उनसे। और मैं अपने डेरे की सजावट के लिए सामान लेके आऊँ और इंशाल्लाह इनको कलर भी करेंगे और इनको अपनी जगह पे फिक्स करेंगे, डेरे की सजावट बनाएंगे इंशाल्लाह। मुर्गी खुला छोड़ते हैं, सुबह से छोड़ी नहीं है, अकेले जाइए। मुर्गा तो हमारा मर चुका है और इधर हमारा जोड़ा जो है टर्की बर्ड्स का, अभी अंडे से एक दिन में अंडा दिया, दोबारा अंडा नहीं दिया उसका, मतलब ये कर रही है उसमें अंडा देना है, तो उसको छोड़ते थोड़ी देर तक बाहर। और ये हमारी जो भेल है माशाल्लाह काफी बड़ी हो गई है, इसको चट करके इंशाल्लाह इधर भी काफी रौनक वगैरह लगाएंगे ताकि डेरे की थोड़ी बहुत शान और बन जाए और डेरे पे थोड़ा रौनक मेला बन जाए जनाब, ताकि खूबसूरती में इजाफा हो जाए जनाब। तो ये टहनी जा रही है, इसको भी करते हैं क्योंकि अभी छोटी है, कल तक भी हो जाएगी। और ये हमने एक धागा बांधा था, रस्सी बांधी थी और ये देखिए जनाब कहाँ से यहाँ से चल के ये माशाल्लाह इधर तक पहुँच चुकी है और इसको खुद ही करना पड़ेगा, मेरे ख्याल से ठीक करना पड़ेगा, इसको भी हमने ठीक कर दिया। अभी फैंसी कबूतरों के पास आते हैं जनाब, देखते हैं उन्होंने अंडा वगैरह दिया या नहीं दिया। ये ऊँट की तरह ही जी, अभी तो इन्होंने अभी कोई अंडा नहीं दिया और ये नीले कबूतर वाले बैठे हुए, इसके साथ का जोड़ा कुछ गया यार, देखना बैठ वो बैठा हुआ, वो देखे इसके काम में, ये अकेला उधर उसको छोड़ कर उधर फिर रहा है, इसका काम चेक करो बिना जी। तो दोस्तों जिस चीज का हमें इंतजार था, मेरे ख्याल से मेरे कबूतर के बच्चे निकाल लिए है, ये देखिए एक छोटा सा बच्चा नीचे बैठा हुआ है और ये देखिए मैं थोड़ा और जूम कर रहा हूँ, ये बच्चा नीचे बैठा हुआ है, दो अंडे थे
अभी देखते हैं चला है। माशाल्लाह से हमारे कबूतर ने बच्चा निकाल लिया माशाल्लाह। अभी चेक करते हैं जरा, आप करीब जाकर दिखाते हैं। और ये देखे दोस्तों माशाल्लाह दोनों ही बच्चे निकाले हुए, एक शायद आज निकला है और एक शायद कल निकला है। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा बच्चा है, छोटा सा है, बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा। इसको वैसे हैंड पेंट किया जा सकता है अगर इस पर मेहनत की जाए, और ये बिल्कुल साथ साथ रहेगा। और ये एक बताइए माशाल्लाह चेक करेंगे माशाल्लाह, मेरे कबूतरों ने बच्चे निकाल लिए माशाल्लाह से, और बड़ी खुशी की बात है। पहली बार बच्चे निकाले इन कबूतरों ने इधर आके। जी तो दोस्तों अभी आप सोच रहे होंगे इस बंदा अभी बाइक पे किधर जा रहा है। जनाब आज हम भावल नगर नहीं जा रहे, अपने फकीर वाली सिटी जा रहे हैं, और घोड़ियों का दाना लेने जाना है भाई, वो लेने जा रहे हैं। कल नहीं ला पाए, बस कल कुछ मसरूफियत की वजह से, और हमारी गाड़ी भी खराब हो गई थी कल, काफी टाइम लगा ठीक होने को, घर भी काफी लेट पहुंचे हम लोग, तो इस वजह से ना घोड़ियों का दाना थोड़ा खत्म हुआ पड़ा था। तो फ्री बैठे हुए थे, मैंने कहा दाना भी जरूरी है, तो दाना लेने जा रहे हैं जनाब फकीर वाली सिटी। तो आपको फकीर वाली भी दिखाते हैं जाके। जी तो दोस्तों हम अभी बस थोड़ी देर तक फकीर वाली पहुंचने वाले हैं, मेन रोड पे हम आ गए। 18 चक से आगे और 19 चक जो आता है उससे पीछे ही थोड़ा, 19 चक आता है आगे और फिर उससे आगे हमारा फकीर वाली सिटी आता है। जनाब आपको आज फकीर वाली सिटी दिखाते हैं। अभी दिहाड़ी नहीं लानी, दिहाड़ी पावा सानू हजार भी मिले साढ़े बारे नहीं हो। दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग, शाम को पहुंचता है। उम्मीद आपको पसंद आया होगा, पसंद आया जनाब वीडियो जरूर लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं आप अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद। नहीं चलो हमने घोड़े के लिए उतार, इसको हम उतारते हैं, तो अभी नहीं बताएंगे कि क्या करना है हमने इसको, जब इस्तेमाल करेंगे तो आपको इंशाल्लाह जरूर दिखाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में। खोल लेते हैं इसको, मगर इसको हम यहाँ पर रखेंगे अपने सामान के पास। कुछ ये कुछ कलर लेके आए हैं अपने पॉट्स को करने के लिए, इनको भी करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। ये देखें ब्लू है, कुछ कलर्स है 3-4 कलर के, और ब्रश कुछ इस तरह का स्टाफ है। फ्री टाइम में करेंगे, तो बस इतना ही है।